बताओ दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे Redmi Note 12 Pro Max जो है वो लॉन्च होने वाला है। चाइना के अंदर इसकी लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है 27th of December, और इंडिया की भी लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है, वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताइए। तो वीडियो को दोस्तों पूरा कंप्लीट एंड तक देखना, और बहुत ही अमेजिंग स्पेसिफिकेशन निकल के आ रहे हैं दोस्तों। कुछ काफी अमेजिंग चीजें हैं, जैसे 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो सब मैंने इस वीडियो में बताया। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अभिनव सक्सेना एंड आई वेलकम यू ऑल एट माय चैनल ऑल इन वन अभिनव। तो दोस्तों, यहां पे आपको इस फोन के अंदर यानी Redmi Note 12 Pro Max के अंदर आपको MIUI 13 देखने को मिलेगा। बेसिकली 14 होना चाहिए था, बट यहां पे 13 देखने को मिल रहा है। और जो MIUI 13 है वो Android 12 पे बेस्ड होता है, तो Android 13 आ चुका है, तो मेरे हिसाब से MIUI 14 करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, 13 भी चलेगा। अब अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है, बट Snapdragon होता तो और ज्यादा बेटर हो सकता था। अगर स्पीड के बारे में बात करें तो 2.6 GHz की क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगी, और ये फोन आपको 6GB RAM वेरिएंट पे देखने को मिल जाएगा। अब सबसे अच्छी बात जो है वो है 6.7 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स के साथ में आएगी। 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। पबजी खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एसफॉल्ट भी आप खेल सकते हैं। बट सबसे अमेजिंग चीज जो इस फोन की है वो है दोस्तों इसके कैमरास। यहाँ पे आपको बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, वहीं प्राइमरी कैमरा जो होगा वो 200 मेगापिक्सल का होगा। हाँ दोस्तों, हमें फ्लैगशिप में भी 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे मिड रेंज फोन में हमें 200 मेगापिक्सल देखने को मिल रहा है, तो क्या ये उतना ज्यादा अच्छा है? वैसे तो आपने अगर Redmi के फोन यूज किए होंगे तो आपको कैमरा क्वालिटी पता ही होगी, काफी अच्छा है। 200 मेगापिक्सल भी आप डेफिनेटली इसके साथ में जा सकते हैं। तो ये आपका प्राइमरी कैमरा होगा, फॉलोड बाय 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात के भाई 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है या नहीं। तो दोस्तों, बैक साइड से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps में, बट फ्रंट से आप फुल HD 30fps में ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। आप सबसे अच्छी चीज या सबसे बुरी चीज भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे बैटरी जो है वो आपको 4300 mAh की देखने को मिलेगी, और ये अच्छी बात या बुरी बात नहीं है, बट सबसे अच्छी बात है कि ये फोन आपका सिर्फ 9 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे 210 वॉट फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, और इतनी ज्यादा मतलब 200 वॉट आपको लैपटॉप के चार्जर जो होते हैं ना भारी भारी, उनमें देखने को मिलता है, बट यहाँ पे इस फोन के अंदर आपको 210 वॉट फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, जो कि आपकी बैटरी सिर्फ 9 मिनट में चार्ज कर देगी। अब ऐसा नहीं है कि ज्यादा वॉट का चार्जर है तो थोड़ा सा फोन अच्छा हो गया हो, मुझे लगता है यार ज्यादा वॉट का चार्जर होता है ना, उसको कंप्रेस करने के लिए हमें थोड़े और ज्यादा इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं। लाइक अगर थोड़ी सी टेक्निकल बात करूँ तो आपको बहुत ज्यादा कैपेसिटर्स ऐड करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फोन में थोड़ा सा वेट ज्यादा हो जाता है। बट ठीक है यार, 210 वोल्ट है, 9 मिनट में चार्ज कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये लॉन्च कब होगा और किस प्राइस रेंज में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस रेंज के बारे में। ये फोन आपको 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास में देखने को मिलेगा। वहीं सबसे अच्छी चीज़ कि ये फोन लॉन्च कब होगा, तो 5th of January इस फोन का इंडियन मार्केट में लॉन्च डेट बताया गया है दोस्तों। तो आज की वीडियो में यही सारी बातें थी इस Redmi Note 12 Pro Max के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।